फाइनली यहाँ पर टीम आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट जो है वो हो चुका है। और दोस्तों इस इवेंट के दौरान यहाँ पर टीम आरसीबी के बेस्ट से बेस्ट प्लेयर, बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। पर विराट कोहली जो है उन सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज भी जो है इस यहाँ पर अनबॉक्स इवेंट का हिस्सा बने थे और यहाँ पर टीम आरसीबी की तरफ से प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। यहाँ पर टीम आरसीबी के युवा खिलाड़ी भी जो है जो हाल ही में भी यहाँ टीम आरसीबी का ऑक्शन के दौरान हिस्सा बने थे वो भी दोस्तों अपने प्रैक्टिस करते नजर आए हैं। और दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली जो है अपनी पूरी लय में नजर आ रहे थे। दोस्तों यहाँ पर सभी खिलाड़ियों में काफी बेहतरीन जिसका प्रदर्शन हम कह सकते हैं वो विराट कोहली का ही हमें नजर आया है। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर पूरे अनबॉक्स इवेंट के दौरान काफी बड़ी मात्रा में जो फैंस है वो भी इस इवेंट का एंजॉय लेने के लिए यहाँ पर पूरा मजा उठाने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर इस यहाँ पर जो अनबॉक्स इवेंट वो हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल भी विराट कोहली के साथ पूरा यहाँ पर उनके साथ पार्टनरशिप में यहाँ पर पूरी मेहनत करते नजर आए थे। हालांकि अभी यहाँ पर इंजरी से उनकी रिकवरी हुई है और अभी अभी यहाँ पर आज ही वो टीम आरसीबी का हिस्सा बने हैं। वो दोस्तों कल के दिन यहाँ पर बेंगलोर के अंदर आ चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर विराट कोहली जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोस्तों सबसे ज्यादा एक्टिव कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस बार उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इस बार आईपीएल के दौरान वो जो इनका आईपीएल होने वाला आईपीएल 2023 वो उनके करियर का सबसे बेस्ट आईपीएल होने वाला है। ऐसा क्यों कहा है क्योंकि दोस्तों फिलहाल वो अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में बात की जाए T20 की बात की जाए ODI की बात की जाए टेस्ट की चाहे किसी की फॉर्म की बात कर ली जाए यहाँ पर विराट कोहली जो है अपनी पूरी लय में नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्लस पॉइंट है टीम आरसीबी के खेमे के लिए भी। दोस्तों आशा की जाती है कि यहाँ पर टीम आरसीबी इस बार अपने पूरे पुराने जो रिकॉर्ड है वो सब तोड़ देगी। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन, क्या इस बार आईपीएल में टीम आरसीबी अपना खिताब इस बार जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मोहम्मद सिराज भी जो है एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं टीम आरसीबी के लिए इस बार क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज का जो फॉर्म चल रहा है वो टीम आरसीबी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की बात है। क्योंकि दोस्तों अब मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए आपने देखा होगा कितना बेहतरीन कितना शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है जो कि दोस्तों टीम आरसीबी का हिस्सा और दोस्तों काफी बेहतरीन लय में है। और ओवरऑल देखा जाए तो टीम आरसीबी की पूरी स्क्वाड ही जो है यहाँ पर काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आईपीएल की स्टार्टिंग से पहले यहाँ पर किस्मत की बात की जाए लक की बात की जाए दोस्तों हमेशा की तरह टीम आरसीबी का खराब ही चल रहा है। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर जोश हेजलवुड को लेकर एक अपडेट आई है कि वो शायद ही यहाँ पर आईपीएल के लिए अवेलेबल हो पाएंगे उनकी इंजरी की वजह से। और रजत पाटीदार भी यहाँ पर दोस्तों पूरे हाफ ऑफ द आईपीएल के लिए अनअवेलेबल हो चुके हैं टीम आरसीबी के खेमे से। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ कह सकते हैं यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ कह सकते हैं यहाँ पर आईपीएल के लिए निकल कर आ रही है टीम आरसीबी के लिए। लेकिन दोस्तों विराट कोहली को देख कर यहाँ पर सभी फैंस का जो मूड है वो बिल्कुल यहाँ पर रोमांचक हो जाता है क्योंकि दोस्तों पूरे प्रैक्टिस के दौरान जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो एक्टिव नजर आया वो विराट कोहली ही है। और दोस्तों इस बात की यहाँ पर खुद माइक हैसन ने काफी सराहना की है। और दोस्तों विराट कोहली इस बार खुद से पर्सनली उन्होंने कह दिया कि वो उनका जो आईपीएल जाने वाला वो बेस्ट आईपीएल जाने वाला है वो इस बार काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और पूरा यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और इस बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जिता कर ही छोड़ेंगे। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है हमारे साथ नीचे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों हर्षल पटेल भी जो है उन्होंने एक लाइव परफॉर्मेंस भी की थी, अगर आपने इस इवेंट को पूरा अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा।